हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोटो को जो है PNG में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने जो फ़ोटो है उसका PNG फ़ोटो कैसे बना सकते हैं, बैकग्राउंड जो होता है उसको कैसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ जो फ़ोटो होता है वो फ़ोटो फ़ोटो ही रह जाएगा। PNG फ़ोटो का फ़ायदा क्या होता है, PNG फ़ोटो हम क्यों बनाते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम जो है पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेते हैं। ये जो है थंबनेल या पोस्टर बनाने वाला ऐप है। यहाँ पर जो है ये हमारा बनाया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर हम आपको PNG फ़ोटो ला करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ से हम फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको ब्राउज़र पर क्लिक करना है। हमने ऑलरेडी PNG फ़ोटो जो है बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से चलते हैं हम गैलरी पे। गैलरी पे जाने के बाद से इमेज में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से माई PNG फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो ये हमारा PNG फ़ोटो है, इसके लिए हम यहाँ PNG फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बगल बगल में दिख रहा है यहाँ पर, ये खाली स्थान है। ऐसा तो देखने को दिख रहा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो ही है, ये PNG बनाया हुआ फ़ोटो है। तो यहाँ पर इतना फ्रेश बना हुआ है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट फ़ोटो यहाँ पर PNG में क्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे हम राइट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोटो सिर्फ फ़ोटो फ़ोटो ही है। अब यहाँ पर हमको जहाँ भी लगाना होगा हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जिस भी कलर में हमको लगाना होगा वो कलर हम सेलेक्ट करके पीछे वहाँ पर लगा सकते हैं। तो PNG फ़ोटो का यही फ़ायदा होता है कि पोस्टर वगैरह, थंबनेल वगैरह कुछ भी बनाने के लिए आप यहाँ पर इस PNG फ़ोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो PNG फ़ोटो जो है कैसे आप बनाएंगे, चलिए हम आपको आगे यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे कि आपको मोबाइल का स्क्रीन तो दिख ही रहा है, अब यहाँ पर हम आपको सिंपल उपाय बताते हैं कैसे आप बना सकते हैं। इसको हम कट कर देते हैं। PNG फ़ोटो यहाँ पर बनाकर आप देख सकते हैं नया साल या फिर शिवरात्रि वगैरह किसी भी चीज़ का आप पोस्टर PNG फ़ोटो वगैरह अपना लगा करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको कट कर देते हैं। चलिए दिखाते हैं PNG फ़ोटो बनाएंगे कैसे। उसके लिए यहाँ से हम गूगल को ओपन करेंगे। अब गूगल को ओपन करने के बाद से यहाँ पर हम सर्च बार में टाइप करेंगे बैकग्राउंड। यहाँ पर जैसे टाइप कर लेते हैं बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर टाइप करने के बाद से हमको इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमारे सामने जो है ऐसा इंटरफेस ओपन होकर क्या जाएगा। अब यहाँ पर जो है पहला वेबसाइट मिल रही है रिमूव BG। यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ पर हमको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर हमारे सामने जो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा पेज जो है ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर अकाउंट बना भी सकते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपको अकाउंट भी बनाने का ऑप्शन मिलेगा साइनअप करने का। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद से सब्सक्रिप्शन का जो फ़ायदा होगा वो सब यूज़ कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन से मिलने वाला होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर फ्री में बनाने के लिए ये अवेलेबल है, यहाँ पर फ्री में बना सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं देना है। तो यहां से अपलोड पे आपको क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद से जो है आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं, हम अपना एक फोटो देखते हैं, कोई फोटो ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमको यहाँ से ब्राउजर पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने जो है ऐसा इंटरफेस आएगा, हमको फिर से यहाँ से इमेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कैमरा जो है हम सेलेक्ट करेंगे। कैमरा सेलेक्ट करने के बाद से एक फ़ोटो जो है हम अपना यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए कोई सा फोटो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद से हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटो को जो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद से हमारे सामने जो है यहाँ से ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमारा फोटो जो है थोड़ा सा प्रोसेस में चल रहा है, उसके बाद से जो है इसका बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंटरनेट जो है यहाँ पर थोड़ा स्लो चल रहा है। स्लो क्या, अभी भी 300 KB का स्पीड है, लेकिन यहाँ 2 MB 2.5 MB की जो हमारा फोटो है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा यहाँ पर आ चुका है। अब हमारा फोटो जो है यहाँ पर बैकग्राउंड ये पूरा जो है यहाँ पर सब कुछ रिमूव हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे जो है यहाँ पर ये हट चुका है, जैसे आपको हटता हुआ यहाँ पर दिखा। अब यहाँ पर ये हटने के बाद से यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड HD पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद से जो आपका यहाँ पर जो फोटो है वो बिना बैकग्राउंड का यहाँ पर आपके मेमोरी में जो है डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम गैलरी ओपन कर लेते हैं अपना फाइल मैनेजर, इसको ओपन करने के बाद से यहाँ से इमेज पर हम क्लिक करते हैं। इमेज पर क्लिक करने के बाद से यहाँ से इमेज को जो है हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा फोटो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस फोटो को जो है हम यहाँ पर पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस फोटो को जो है ले लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोटो है यहाँ पर आ चुका है हमारा। तो इस तरह से जो है अपने फोटो का बैकग्राउंड आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं सिर्फ चुटकियों में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल पे जाना है, बैकग्राउंड रिमूवर टाइप करना है, उसको ओपन करना है और वहाँ पर अपना फोटो जो है अपलोड कर देना है। आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक वहाँ पर रिमूव हो जाएगा। वो जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करके आपको फोटो दे देती है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड जो है रिमूव कर सकते हैं और आसानी से अपना थंबनेल या पोस्टर जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हमको फोटो को थोड़ा साफ करना है, थोड़ा लाइट वगैरह देना है, तो हम दूसरे किसी ऐप में डाल करके यहाँ से इस फोटो को जो है थोड़ा और भी बना सकते हैं। पहले ही इसको बना लेना है, पहले लाइट वगैरह दे देना है, उसके बाद
बाद से जो है इसको बैकग्राउंड का जो है रिमूव करना है, ताकि अगर फिर से आप बनाते हैं इसको तो इसका बैकग्राउंड जो भी रहेगा काला वगैरह वही आ जाएगा। तो इसलिए पहले इसको लाइट वगैरह दे लेना है, जो भी आपको बनाना है थोड़ा फ्रेश करना है तो इसको बना लेना है, उसके बाद से जो है बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो इस तरह से आसानी से जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं आप किसी भी फोटो का। और यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।